हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाटलिपुत्र सेंट्रल स्कूल यूट्यूब चैनल। आई एम खगेश सर, आई एम द एजुकेटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 4 ऑफ स्टैंडर्ड 4। चैप्टर्स नेम इज द ग्रीडी कपल। चैप्टर्स नेम इज द ग्रीडी कपल। एज I have completed half of the lesson in the previous video, and the next I am going to half of the lesson is completing. So listen it carefully and watch it carefully. प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के आधा पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि लोभी जोड़ा के बारे में है, जो कि एक मछली पालन करके वह अपना जीविका चलाता है, किंतु उसकी पत्नी काफ़ी लोभी है, और लोभी का क्या नतीजा होता है वह आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिए थे कि वह एक मछली को पकड़ा था जो कि काफ़ी बड़ी मछली थी, और एक अचंभित बात यह भी थी कि वह मछली बोलती थी। मछली क्या बोली कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे इस पानी में पुनः छोड़ दो। यह बात अपनी पत्नी से कहने के लिए भी कह दी। जब वो पति अपने पत्नी से यह बात कहती है तो पत्नी क्या कहती है कि तुम जाओ और उस मछली से कहना कि मेरे लिए अच्छा कुछ भोजन और नई गुलाबी साड़ी दे। तो जब वह अगले दिन नदी के किनारे जाता है तो वह मछली पुनः उसके जाल में फंसती है और पूछती है कि आपका पत्नी ने क्या कहा। तो उसने बताया कि मेरी पत्नी कुछ भोजन और एक गुलाबी साड़ी चाहती है। तो मछली ने कहा, ठीक है, तुम मुझे पानी में डाल दो और घर चले जाओ। तो जब वह उसको पानी में डालकर घर वापस आता है तो वह देखता है कि अपनी पत्नी को गुलाबी साड़ी पहनी हुई है और टेबल पर कुछ भोजन रखे हुए हैं। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, आर यू हैप्पी नाउ, आस्क कृष्णा। कृष्णा पूछता है कि अब तुम बहुत सुंदर दिखती हो, क्या तुम अब खुश हो। नो, आई वॉन्ट फाइन फूड एंड ए न्यू साड़ी एवरी डे, टोल्ड राधिका। राधिका कहती है, नहीं, मुझे अच्छा भोजन और प्रत्येक दिन नई साड़ी चाहिए। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग कृष्णा वेंट टू द रिवर एंड टोल्ड द फिश, माई वाइफ वॉन्ट्स फाइन फूड एंड ए न्यू साड़ी एवरी डे। अगले दिन कृष्णा नदी के किनारे जाता है और मछली से कहता है कि मेरी पत्नी अच्छा भोजन और नई साड़ी प्रत्येक दिन चाहती है। पुट मी इन द वाटर एंड गो होम। पुनः मछली वही बात कहती है कि मुझे पानी में डाल दो और तुम घर चले जाओ। यू कॉन्ट हैव एवरीथिंग सी कॉन्ट हैव एवरीथिंग सी वॉन्ट्स, सेड द फिश। मछली कहती है कि वह सभी चीज नहीं पा सकती है जो वह चाहती है। द मैन वेंट होम, आदमी घर चला जाता है। देयर वॉज फूड ऑन द टेबल एंड हिज वाइफ हैड ए न्यू ग्रीन साड़ी। टेबल पर भोजन रखा हुआ है और उसकी पत्नी नई साड़ी पहनी हुई थी। हस्बैंड सेड, डियर आर यू हैप्पी नाउ, प्रिय अब तुम खुश हो। नो, आई वॉन्ट ए बिग हाउस विथ फर्नीचर
एंड सर्वेंट टू सर्व मी, सेड द वाइफ। पत्नी कहती है, नहीं, मुझे बड़ा घर फर्नीचर के साथ, यानी फर्नीचर में होता है लकड़ी का सामान, जैसे पलंग, टेबल, कुर्सी, एवरीथिंग विच इज़ नीडेड फॉर ए परफेक्ट हाउस, जो एक अच्छे घर के लिए सभी चीज आवश्यकता होती है, और नौकर जो मेरा सेवा करे। द मैन वेंट टू द रिवर नेक्स्ट मॉर्निंग, द बिग फिश केम इनसाइड हिज नेट। अगले सुबह आदमी नदी को जाता है और बड़ी मछलियाँ उसके जाल में आता है। वाट एल्स डज योर वाइफ वॉन्ट, द फिश आस्क्ड, मछली पूछता है, अब और क्या तुम्हारी पत्नी चाहती है। सी वॉन्ट्स ए बिग हाउस एंड सर्वेंट, रिप्लाइड कृष्णा। कृष्णा उत्तर देता है कि वह एक बड़ा घर और नौकर चाकर चाहती है। सी कांट हैव एवरीथिंग टू वॉन्ट, पुट मी इन वाटर एंड गो होम नाउ, सेड द फिश। वह मछली कहती है कि वो जो सभी चीज चाहती है वह संभव नहीं है, तुम मुझे पानी में रख दो और अब घर चले जाओ। कृष्णा वेंट बैक एंड फाउंड बिग हाउस इन द प्लेस ऑफ हिज स्मॉल हाउस। कृष्णा वापस चला जाता है और अपने उस छोटे घर के जगह पर बहुत बड़ा मकान देखता है। हिज वाइफ वोर ए रेड साड़ी एंड वाज ऑन ए स्विंग इन द गार्डन, और अपनी पत्नी को लाल साड़ी पहनी हुई और झूले पर बगीचे में झूलते हुए देखता है। देखा, यू मस्ट बी हैप्पी नाउ डियर, सेड कृष्णा। कृष्णा पुनः पूछता है, अब तो तुम खुश होगी, नाउ नो आई वॉन्ट दिस कंट्री। पुनः उसकी पत्नी कहती है, नहीं, मुझे देश चाहिए, यह देश चाहिए। आई वॉन्ट टू बी द क्वीन ऑफ दिस कंट्री, मैं इस देश की रानी बनना चाहती हूँ। राधिका रिप्लाइड, जो उसकी पत्नी राधिका थी, उसने क्या उत्तर दिया, मुझे यह देश चाहिए और मैं यह देश की रानी बनना चाहती हूँ। इन द मॉर्निंग कृष्णा वेंट टू द रिवर एंड द बिग फिश जंप इन टू द नेट। अगले सुबह कृष्णा नदी जाता है और बड़ी मछलियाँ उसके जाल में आती है। माई वाइफ वॉन्ट्स दिस कंट्री टू बी हर ओन एंड वॉन्ट्स टू बिकम द क्वीन ऑफ दिस कंट्री। मेरी पत्नी इस देश को अपना करना चाहती है और वह इस देश की रानी बनना चाहती है। द फिश डिड नॉट स्पीक, मछली कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं बोली। सी कांट हैव एवरीथिंग सी वॉन्ट्स, उसे सब चीज नहीं हो सकता है जो वह चाहती है, सेड द फिशरमैन। लेकिन वह मछुआरा जो कि कृष्णा, वह खुद कहता है, जो मछलियाँ कहती थी कि उसे सब चीज नहीं हो सकता है जो वह चाहता है। यू आर राइट, पुट मी बैक इन द वाटर एंड गो होम, मुझे पानी में डाल दो और घर चले जाओ, सेड द फिश, मछली ने कहा। कृष्णा पुट द फिश बैक इन द वाटर एंड वेंट होम, कृष्णा मछली को पानी में डाल दिया, वापस घर आ गया। ही saw, वह देखता है, हिज वाइफ इन हिज ओल्ड स्मॉल हाउस एंड देयर वॉज नो फूड, नो सर्वेंट एंड नो मनी। वह क्या देखता है कि उसकी पत्नी उस पुराने छोटे घर में, जहाँ की भोजन नहीं था, नौकर नहीं था और पैसे नहीं थी। यानी लोभ का क्या अंत हुआ,
कि आपके पास में जो था बस वही रहा। प्यारे बच्चों, हमें जिंदगी में कभी भी लोभ नहीं करनी चाहिए। लोभ एक बहुत बड़ा हमारे नाश का कारण है। अपने लाइफ में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और उस मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।